हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपनी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू कतली, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत फेमस स्वीट डिश है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, जो कि 2 बड़े चम्मच हमने चीनी ली है, और 1 कटोरी हमने लिए हैं काजू। हमने ये साबुत काजू लिए हैं, आप टुकड़ी भी ले सकते हैं क्योंकि बस हमें तो पीसना ही है काजू को। और हमने लिया है आधा छोटा चम्मच देसी घी। तो सबसे पहले हम काजू जो ये हमने लिए हैं इनको हम पीस लेंगे। इनका पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक हमें इसका पाउडर बनाना है। तो देखिए हमने सारे काजू का बिल्कुल स्मूथ एकदम बारीक बिल्कुल पाउडर बना लिया है। इसमें कोई भी काजू साबुत नहीं है, एक टुकड़ा भी हमें इसमें नहीं छोड़ना है। देखिए अब हम चाशनी बनाएंगे। पैन को हमने गर्म कर लिया है और इसमें हमने डाल दी है चीनी। चीनी डालने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। जितनी चीनी है उससे 1/4 हमें पानी डालना है। तो देखिए ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, एक तार की चाशनी। देखिए हम इसको एक चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हमने ये एक तार की चाशनी रेडी कर ली है और अब हम इसमें पाउडर डालेंगे काजू का जो बनाया है। और अब हम चाशनी में ये पाउडर डाल देंगे काजू जो पीसे हैं इनका, और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं होने लग जाएगा। थोड़ा सा ड्राई होने लगता है ये जो है पैन को छोड़ने लगता है जब भुनने शुरू हो जाता है, तो हम इसको निकालेंगे। अभी इसको हमें भूनना है और हमने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है क्योंकि काजू कतली अपने आप में ही एक अलग ही टेस्ट होता है, इसमें कुछ भी नहीं डालते। इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं लेकिन मुझे इलायची पाउडर नहीं पसंद, इसलिए मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं। तो देखिए ये काजू कतली का ये जो हमने ये जो मिक्सचर बनाया है ये पैन छोड़ने लग गई है। देखिए आप जहाँ पर भी ऐसे चला रहे हैं ये ऐसे हो जाता है एकदम चिकना, तो ये पैन छोड़ने लग गई है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर देंगे इसको प्लेट में रखने के बाद। तो देखिए गैस को हम ऑफ कर देते हैं। देखिए ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, डो बनने जैसी हो जाएगी ये। खास बात ये है काजू कतली की कि हमें किसी स्टील या फिर एल्युमिनियम के बर्तन में इसको नहीं बनाना, हमें नॉन स्टिक में ही बनाना है, नहीं तो एल्युमिनियम के में ये चिपक जाती है। नॉन स्टिक में ही आप कोशिश करें कि इसको बनाएं, बहुत अच्छी बनती है नॉन स्टिक में, चिपकेगी नहीं। हम गैस को हमने ऑफ कर दिया है और ये हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इस मिक्सचर को इस प्लेट में निकालेंगे। हमने स्टील की थाली ले ली, इसको उल्टा कर लिया और इसमें हम देसी घी लगा देंगे जिससे जो हम मिक्सचर निकाल रहे हैं काजू कतली का वो चिपकेगा नहीं। और मिक्सचर को इसमें डाल देंगे इसके ऊपर ऐसे। देखिए डो मैंने इसमें प्लेट में रख दिया और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी या फिर फ्रिज में रख सकते हैं आप, जल्दी ठंडा कर लेंगे इस डो को। फिर उसके बाद इस डो को अच्छे से हम गूंदेंगे। देखिए 15 मिनट हो गया और ये हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे और इसको बेलेंगे और फिर इसकी काजू कतली बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये जब डो है हम इसको ठंडा करने के लिए जब रखते हैं तो ये कई बार ठंडा होने के बाद एकदम बिखर जाती है, मतलब सूखी सूखी हो जाती है। तो आप लोग घबराए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। काजू के जो अंदर जो ये पूरा ऑयल होता है, तो इसमें क्या करेंगे आप थोड़ा सा हाथ में पानी लें जब अगर आपकी बिखर जाए तो, और थोड़ा सा पानी लेके और इसको इस तरह से ऐसे मिला दें और हाथ में ऐसे ले लें। तो देखिए ये काजू में ऑलरेडी इतना घी होता है कि वो आपके हाथ पे आ जाएगा और इसलिए आपको इसमें घी भी ज़्यादा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमने काजू की जो लोई बनाई है इसको हमने बटर पेपर के ऊपर रख दिया, थाली के ऊपर बटर पेपर रखा और इसको रख दिया और फिर एक बटर पेपर इसके ऊपर से हम रख देंगे और इसको थोड़ा हाथ से प्रेस करेंगे ऐसे अच्छे से, हल्के हाथों से बेलन से चारों तरफ से बेलते जाएंगे। जैसे भी आपको खानी है काजू कतली, पतली खानी है तो पतली बेलिए, थोड़ी मोटी खानी है तो मोटी, और इसको इसी तरह बेल के बड़ा कर लेंगे लोई को। तो देखिए ये हमने इसको बेल लिया है और अब हम इसको काटेंगे। तो देखिए सारी काजू कतली के हमने पीसेस कर लिए हैं और ये जो साइड में जो खराब है इसको मैं निकाल दूंगी
और इसमें कई लोग चांदी का वर्क यानी सिल्वर पेपर यूज़ करते हैं, लेकिन सिल्वर पेपर कई बार नुकसान देता है कई लोग बोलते हैं, इसलिए मैंने इसमें लगाया ही नहीं है। तो देखिए काजू कतली हमारी बनके बिल्कुल तैयार है, आप भी इसको बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।